हाइट रेस्क्यू मॉक ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाइट रेस्क्यू मॉक ड्रिल रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि मॉक ड्रिल रिपोर्ट आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1,00,000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचना है अपने को। लेट्स गो टू सी हाउ टू प्रिपेयर मॉक ड्रिल रिपोर्ट। ये है मॉक ड्रिल का फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ द मॉक ड्रिल। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी होती है, टाइम मेंशन करनी होती है। ऑब्जर्वर, मॉक ड्रिल के समय क्या क्या लैगिंग्स है उसे ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट HSC, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने भी ऑब्जर्वर है आप उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड एट हत्ता सेक्शन लोकेशन नंबर 200। यहाँ पे आपको लोकेशन और आपके अपना प्रोजेक्ट का नाम हाईलाइट कर देनी है। नेक्स्ट आता है टू नो अलर्टनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कमैन एंड रेस्क्यू टीम एंड देयर रिस्पॉन्स ऑफ द इमरजेंसी इन केस ऑफ रेस्क्यू एट हाइट सिचुएशन। नेक्स्ट सेक्शन आता है ऑब्जर्वेशन, जिसका फॉर्मेट है टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट आपको इवेंट का टाइम मेंशन करनी है। इवेंट क्या है? मिस्टर फखर अब्बास लॉस्ट कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग टावर इरेक्शन वर्क एट हाइट एंड सस्पेंडेड ऑन टावर। ऑब्जर्वेशन क्या है? मिस्टर फखर अब्बास लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड सस्पेंडेड ऑन टावर। रिट्रेक्टेबल फायर अरेस्टर एंड लैनयार्ड वाज इन प्लेस। Co-worker of Mr. Hasan Umar immediately alert the situation to Mr. Ashraf, area supervisor. Work at height के दौरान फखर अब्बास unconscious हो जाता है और अपने full body harness में suspend हो जाता है। तुरंत उसका co-worker ने identify किया और क्या किया, अपने site supervisor को immediate inform किया। Next event क्या है? 9:25 को Mr. Ashraf साइट सुपरवाइजर इमीडिएटली इंस्ट्रक्टेड टू इमरजेंसी रेस्क्यू टीम टू स्टार्ट रेस्क्यू। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर का क्या बनता है? ट्रेंड रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना रेस्क्यू स्टार्ट करने के लिए। इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेंड ऑपरेटिव्स प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट रेस्क्यू बाय टेकिंग रेस्क्यू किट ओवर द हाइट ऑफ विक्टिम। मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर इमरान क्लाइम्ड द टावर एंड रीच्ड नियर टू द विक्टिम बाय 9:26। नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? मिस्टर रिजवान स्टार्टेड प्रिपेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑब्जर्वेशन में लिखना है रेस्क्यू किट टाइट, ऑल द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ रेस्क्यू किट इंस्टॉल्ड बाय द रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर कौन है? मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर इमरान। फर्स्ट है रेस्क्यू हार्नेस, सेकंड है एंकरेज एंड डिसेंडर, थर्ड कैराबिनर, फोर्थ फॉल अरेस्टर, फिफ्थ फॉल अरेस्टर रोप, सिक्स्थ एंकरेज स्ट्रैप। इंस्टॉलेशन ऑफ रेस्क्यू किट कंप्लीटेड बाय 9:32 एंड रेस्क्यू स्टार्टेड। नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? 9:32 को मिस्टर इमरान स्टार्टेड रेस्क्यू, मिस्टर रिजवान रीच्ड नियर टू द विक्टिम मिस्टर फखर अब्बास एंड स्टार्टेड रेस्क्यू एंड रीच द ग्राउंड ऑन 9:38। नेक्स्ट इवेंट है मिस्टर अशरफ इंस्ट्रक्टेड टू कोवर्कर। मिस्टर अशरफ इंस्ट्रक्टेड टू कोवर्कर टू रिमूव द फुल बॉडी हार्नेस एंड अदर PPEs फ्रॉम द बॉडी ऑफ विक्टिम एंड ले डाउन इन रिकवरी पोजीशन फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट एड बाय फर्स्ट एडर। नेक्स्ट इवेंट 9:38 ड्रिल कंक्लूडेड, यानी 9:38 को विक्टिम को सेफली रेस्क्यू करके ग्राउंड पे लाया गया। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 9:40 को HSE इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेमोन्स्ट्रेटेड अवेयरनेस सेशन। मीन्स ड्रिल कंडक्ट करने के बाद से आपको अवेयरनेस सेशन देनी है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन रिलेटेड सारे चीजें आपको ब्रीफ करनी होती है। फर्स्ट फेमिलियराइजेशन ऑफ वर्क एट हाइट PPEs, फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनयार्ड, रिट्रेक्टेबल फॉल अरेस्टर। नेक्स्ट है वर्क पोजिशनिंग लैनयार्ड, रोप ग्रैब अरेस्टर। सेकेंड फेमिलियराइजेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ रेस्क्यू किट, जिसमें की फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनयार्ड, एंकर स्ट्रैप, स्टील टर्न लॉक कैराबिनर्स, रेस्क्यू रोप, फॉल अरेस्टर रोप फॉर रेस्क्यूअर, डिसेंडर, नाइफ एंड किट बैग। थर्ड होता है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट ऑफ रेस्क्यू किट। फोर्थ स्टेप ऑफ सेफ अनपैकिंग एंड पैकिंग ऑफ रेस्क्यू किट कंपोनेंट इनसाइड द रेस्क्यू बैग। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस एंड लैप्सेस मॉनिटर ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल डिस्कस्ड, यानी मॉक ड्रिल के दौरान जो भी लैप्सेस आपने आइडेंटिफाई किया है उसको भी एक्सप्लेन करनी है। बाई 10 सेशन क्या होता है? कंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट आपको मॉक ड्रिल की समरी बनानी है, जिसमें टोटल इम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन मॉक ड्रिल 15, मॉक ड्रिल ड्यूरेशन 15 मिनट, ब्रीफिंग टाइम 20 मिनट, क्लाइमेट कंडीशन ड्यूरिंग मॉक ड्रिल, क्लाइमेट का कंडीशन भी आपको मेंशन करना है, टेम्परेचर 35 डिग्री, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 54%, विंड स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट आता है लैप्सेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल, यानी मॉक ड्रिल के समय क्या क्या लैप्सेस आपने ऑब्जर्व किया। फर्स्ट है रेस्क्यू किट प्रोटेक्शन कवर एंड लेजिबल लेवल डैमेज्ड, ERT चार्ट वॉज नॉट अवेलेबल इन द इमरजेंसी व्हीकल, सम ऑफ द वर्कमैन एट हाइट ऑपरेटिव्स चिन स्ट्रिप डैमेज एंड नॉट इन फिटिंग
लीडिंग पोजीशन। नेक्स्ट आपको रिकमेंडेशन देनी होती है जो भी आपने ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई किया है। नोटिफाइड सब कॉन्ट्रेक्टर सुपरवाइजर फॉर प्रॉपर लेजिबल प्लेट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑन रेस्क्यू किट बैग्स। ऑल स्टैंड बाई और इमरजेंसी व्हीकल मस्ट बी विथ इमरजेंसी रूट मैप टू द नियर बाई हॉस्पिटल एंड ERT चार्ट मस्ट बी अवेलेबल इन ऑल इमरजेंसी व्हीकल्स। एंश्योर स्पेयर PPE अवेलेबिलिटी ऑन साइट। नोटिफाइड सुपरवाइजर टू इंश्योर द कंप्लायंसेस। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, मॉक ड्रिल का कुछ फोटो अटैच कर देनी है, जिसमें कि ये मॉक ड्रिल का फोटो आप देख सकते हैं। ये वर्क एट हाइट रेस्क्यू ड्रिल का फोटो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं वर्क एट हाइट रेस्क्यू। और नेक्स्ट होता है जो सेफ्टी ऑफिसर ने कंडक्ट किया उसका नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम एंड सिग्नेचर। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।